जल रहे हैं जंगल और नदियां रो रही है धीरे धीरे। लोग सड़कों पर है दुनिया पखो रही है धीरे धीरे। ना पड़ा फर्क कभी जिन्हें उन्हें भी पड़ रहा है धीरे धीरे। जो पढ़ना चाहता है वो भी लड़ रहा है धीरे धीरे। शहर मचल रहे हैं गुम हवाएं हो रही है धीरे धीरे। नफरतों के बीज दुनिया खुल के बो रही है धीरे धीरे। गलत इरादों वाले बेनकाब हो रहे हैं धीरे धीरे। गमों की रात में खुशी के ख्वाब वो सो रहा है धीरे धीरे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है गिटार विद पुनीत। और जो आज हम सॉन्ग कवर करने वाले हैं उस सॉन्ग का नाम है धीरे धीरे बाय ओशो जैन। तो फ्रेंड्स, देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अच्छे गानों के लेसन, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं हर वीक लेके आता हूँ। तो फ्रेंड्स, डोंट मिस दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, ये गाना बेसिकली अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें सारी बार कॉर्ड्स यूज़ हुई हैं। अगर आप इंटरमीडिएट प्लेयर हैं तो इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको सेवन्थ कॉर्ड आती हैं प्ले करनी, तो आप ये गाना इजीली प्ले कर पाओगे। अगर आप बिगनर हो फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये टिप देना चाहता हूँ कि आप इस जो भी कॉर्ड्स हैं इनको ओपन कॉर्ड्स में कन्वर्ट करके और एक रिदमैटिक पैटर्न के साथ इसको प्ले करिए। और वैसे ये गाना फिंगर स्टाइल में यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो है बार कॉर्ड्स और जो कि सेवन्थ कॉर्ड्स हैं, और सेकेंड है आपका स्ट्रमिंग पैटर्न जो कि फिंगर स्टाइल है। तो ये दो चीज़ें हैं जो इंटरमीडिएट प्लेयर के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है, बट अगर आप इसकी रोज़ प्रैक्टिस करते हैं और इस गाने को इस कॉर्ड प्रोग्रेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप ये गाना इजीली कवर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिकली आपको छः कॉर्ड्स प्ले करनी है, वो है D7, E-7, G7, G7 सस्पेंडेड 4, D major एंड D major 7। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि हर एक कॉर्ड को पकड़ना कैसे है। तो सबसे पहली जो कॉर्ड है D7, उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट फिंगर से आपको 5th फ्रेट बार करना है, और आप लोअर ई को छोड़ सकते हैं, बाकी नीचे की 5 स्ट्रिंग्स टॉप 5 स्ट्रिंग्स आपने बार करी, और उसके बाद आपने रिंग अपने लिटिल फिंगर को रखा B string के 7th फ्रेट पे, और अपने रिंग फिंगर को रखा D string के 7th फ्रेट पे। तो फ्रेंड्स, ये आपकी कॉर्ड D7 बन गई। फ्रेंड्स, D7 के साथ ही मैं आपको स्ट्रमिंग पैटर्न भी एक्सप्लेन कर देता हूँ इस गाने में क्या प्ले हो रहा है। तो इसमें स्ट्रमिंग पैटर्न यूज़ हो रहा है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स में स्ट्रमिंग पैटर्न यूज़ हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको राइट हैंड में स्ट्रिंग्स देखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी आपको प्ले करनी है। तो सबसे पहले आपकी स्ट्रिंग प्ले होगी 5th, 4th, 3rd। तो 5th, 4th, 3rd प्ले करने के बाद आपको प्ले करनी है 2nd, 3rd और 4th। तो यहाँ पे आप असेंडिंग गए, फिर डिसेंडिंग किया आपने, तो आपने स्ट्रिंग्स प्ले करनी है 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 3, 4, ये पैटर्न रहेगा फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको स्ट्रमिंग करनी है। और फ्रेंड्स, अगली कॉर्ड है E-7। तो E-7 आपको कैसे प्ले करनी है होल्ड, वो है कि 7th फ्रेट को आपको बार करना है फर्स्ट फिंगर से। आपने 7th फ्रेट बार किया,
उसके बाद आपको रिंग फिंगर को रखना है डी स्ट्रिंग के 9th फ्रेट पे, और आपको मिडिल फिंगर को रखना है बी स्ट्रिंग के 8th फ्रेट पे, तो ये आपकी कॉर्ड बन जाएगी ई माइनर 7। जब ये कॉर्ड भी आप प्ले करोगे तो भी ये सारी स्ट्रिंग जो मैंने आपको बताई थी 5 4 3 2 3 4, ये स्ट्रिंग्स आपकी यहाँ पे भी प्ले होंगी। उसके बाद अगली कॉर्ड है फ्रेंड G7। G7 के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी फर्स्ट फिंगर से बार करना है 10th फ्रेट पे, लिटिल फिंगर को रखना है बी स्ट्रिंग के 12th फ्रेट पे, और रिंग फिंगर को रखना है डी स्ट्रिंग के 12th फ्रेट पे। तो यहाँ पे आपको वही सेम पैटर्न ये भी यहाँ पे भी प्ले करना है स्ट्रमिंग का। लेकिन फ्रेंड जब यहाँ पे हम दो बार प्ले करेंगे तो उसके बाद लिटिल फिंगर को आगे कर दोगे तो यहाँ पे आपको अगली कॉर्ड मिल जाती है जो है G7 सस्पेंडेड 4, और वापस से फिर G7। उसके बाद फ्रेंड्स डी मेजर जो कि आप लोगों को आती होगी बार कॉर्ड में, डी मेजर कॉर्ड है, फर्स्ट फिंगर से बार करना है आपको, और अपने रिंग फिंगर से बी स्ट्रिंग जी स्ट्रिंग एंड डी स्ट्रिंग 7th फ्रेट पे रख के एक साथ बार करना है। तो ये फ्रेंड्स आपकी डी मेजर कॉर्ड होगी, और लास्ट कॉर्ड है डी मेजर 7। तो डी मेजर 7 के लिए फ्रेंड्स फिफ्थ फ्रेट पे ही आपकी फर्स्ट फिंगर से बार रहेगा, लिटिल फिंगर को रखना है आपको 7th फ्रेट पे बी स्ट्रिंग के 7th फ्रेट पे, मिडिल फिंगर को रखना है आपको जी स्ट्रिंग के 6th फ्रेट पे, और रिंग फिंगर को रखना है डी स्ट्रिंग के 7th फ्रेट पे। तो ये आपकी हो गई कॉर्ड डी मेजर 7। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है स्ट्रिंग का वेरिएशन बदल जाएगा, तो स्ट्रिंग का वेरिएशन होगा तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग्स प्ले करनी होगी 5 4 3 1 2 3, 5 4 3 1 2 3, 5 4 3 1 2 3, ये आपको तब प्ले करनी होगी जब आप डी मेजर 7 कॉर्ड प्ले करेंगे, जब ये गाने पे आएगी कहीं पर, और बाकी के लिए आपको 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 3 4, यही आपको बाकी कॉर्ड्स के प्ले करना है। तो फ्रेंड पढ़ते हैं हम गाने की तरफ। तो जल रहे हैं जंगल और नदियां रो रही है धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने डी सेवन को चार बार प्ले किया, मतलब जो ये हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न है 5 4 2 5 4 3 2 3 4, जो हमारा ये स्ट्रमिंग पैटर्न है इसको हमने चार बार प्ले किया 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 3 4, फिर ई माइनर 7 पे भी चार बार प्ले किया 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 3 4। तो ये आपको एक बार फिर से गा के दिखा देता हूँ मैं। जल रहे हैं जंगल और नदियाँ रो रही है धीरे धीरे। फ्रेंड्स सेम चीज अगली सेम ये दोनों कॉर्ड्स अगली लाइन के लिए भी होगा। लोग सड़कों पर है दुनिया आपक हो रही है, फिर ई माइनर 7 पे धीरे धीरे। फिर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जी सेवन होल्ड करनी है कॉर्ड। ना पड़ा फर्क कभी जीने, ये दो बार प्ले करनी होगी, और उसके बाद आपको G7 सस्पेंडेड 4 प्ले करनी है। उन्हें भी पड़ रहा, और यहाँ ये आपकी एक बार होगी वापस से G7 लास्ट टाइम हो रहा है। तो मैं आपको गा के दिखा देता हूँ G7 सस्पेंडेड 4 G7, और आपको यहाँ पे गाना है ना पड़ा फर्क कभी जीने उन्हें भी पड़ रहा है धीरे, फिर डी मेजर 7 आपको होल्ड करनी है धीरे धीरे। यहाँ पे स्ट्रिंग्स मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पैटर्न चेंज हो जाएगा 5 4 3 1 2 3, ये रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको लास्ट में डी मेजर प्ले करना है। जो पढ़ना चाहता है वो भी लड़ रहा है धीरे धीरे, और लास्ट में D7 आपको प्ले करना है। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं वर्स 2 की तरफ। तो वर्स 2 में भी आपको D7 फर्स्ट कॉर्ड लेनी है। शहर मचल रहे हैं गुम हवाएं हो रही है, D7 पे आपने चार बार प्ले किया, और E-7 पे भी चार बार धीरे धीरे। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पार्ट भी सेम है। नफरतों के बीच दुनिया खुल के बो रही है धीरे धीरे।
उसके बाद फ्रेंड्स आपको G7 पे आना है। गलत इरादों वाले बेनकाब, तो बेनकाब जो मैंने आपको बताया था G7 दो बार प्ले होगी, G7 सस्पेंडेड 4 एक बार, फिर से G7 एक बार। तो गलत इरादों वाले बेनकाब हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे में D major 7 आ जाएगी, धीरे धीरे। अब फ्रेंड्स लास्ट में D major, गमों की रात में खुशी के ख्वाब वो सो रहा है धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि D major 7 कॉर्ड को छोड़ के जितने भी बाकी कॉर्ड्स हैं उसमें आपकी जो स्ट्रिंग्स प्ले हो रही है वो हो रही है 5 4 3 2 3 4, लेकिन D major 7 पे ही आपकी जो स्ट्रिंग्स प्ले हो रही हैं वो है 5 4 3 1 2 3। तो ये चीज़ आपको देखना है, बाकी गाना अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।